हरियाणा से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। सुनीता जी आप लाइन पे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैडम, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद सुनीता जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं मेरे बालों से रिलेट आपसे बात हो चुकी है सर। तो मतलब ये है कि सर कि मेरे बालों से रिलेट आपसे बात हो चुकी है, और सर आपने मुझे सरस्वती खल बताई थी सर। हाँ जी सर, और सरस्वती खल मैंने फ्लिप कर रखी सर, और गोल मरिंगा भी मैंने मंगवाया था सर। और एक मेरी गुड़िया है सर, 20-25 साल की मेरी गुड़िया है, इसकी वो सिर पे कभी 4-5 साल पहले जुए हुई थी, तो वो हल्के से बाल उसके बीच में से चले गए थे। तो वो चंडीगढ़ में पड़ती है सर, तो वो गोल मरिंगा मैंने उसको दे दिया सर। तो उसने वो यूज किया तो सर उसके बालों की ग्रोथ तो अच्छी हो गई, लेकिन जो जिस जगह पर झूल हुई थी ना सर, उस जगह पर उसके बाल नहीं आए। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए वो अपना रोक दिया इलाज, तो मैं आपका काफी टाइम वेट करती रही सर। मैंने सोचा आपने रिटायरमेंट ले ली, तो मेरा फिर मैंने कहा कि मेरी गुड़िया का जो गोल मरिंगा मैंने दोबारा मंगवाना है आपसे सर। मेरा जो इलाज है ना बालों का सर, मेरा इलाज 40 साल पुराना है सर। आप ये समझ लें सर, एक बंजर धरती है, उससे बाल उगाने हैं। मैंने बहुत इलाज करवाया, मेरे सिर के टीके बहुत लगे हैं सर, और मेरे सिर की चमड़ी भी जल गई सर। सर मेरे जैसे बाल अफ्रीकी है सर, अफ्रीकी बाल है सर। और जब मैं छोटी थी मेरे बाल घने थे, तो लोग नजर लगाते थे, तो मेरे माँ बाप का ये कहना था कि नजर लग गई बालों को। तो सर मैं बहुत, एक बार तो मेरे मन में था सर आपसे मिलकर, आपको दिखाकर मैं मेरा इलाज शुरू करती, पर आपसे मिलना बहुत मुश्किल है सर, मैं कहाँ मिलूँ आपसे। एक बात है तो मेरे लिए दिक्कत थी सर ये, और सर मेरे कुछ 3-4 सवाल और है सर, अगर आप मेरे आज प्रश्न नोट कर लीजिए सर, और फिर मुझे आप बाद में भी जवाब दे सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है इस बात की सर जी, और दूसरा सवाल मेरा ये सर ये है कि मेरी गुड़िया को पेशाब बहुत आता है सर, और जब वो बस से सफर करती है ना सर, तो उसको बहुत परेशानी आती है, तो बीच में निकलने का हो जाता है सर। तो कितने वो ये बताए सर, कितनी बार करे, मतलब कितने महीने वो इलाज करे, जैसे मैंने आपके सारे नुस्खे लिखे हुए हैं सर, और वो कौन सा भी अपना जो उसका परहेज है वो भी बताए सर। बच्ची की उम्र कितनी है सर? और मेरी गुड़िया की उम्र 20-21 साल है सर। और सर एक बढ़िया का उत्तर मेरी गुड़िया के लिए बताए। और एक जो 5वां सवाल है सर, मेरे को ना गुड़िया ऑपरेशन भी हुई थी सर, तो ऐसा क्या करूँ की मैं पीछे तो सेवा नहीं हुई सर, कोई आराम नहीं मुझे हुआ, और गलतियां भी बहुत हुई, आगे मैं ऐसा क्या करूँ सर? जैसे मेरी उम्र 50 साल है, कि मेरे आगे जीवन है जो आगे 10-20 साल का बहुत अच्छा रहे, मेरा इम्यूनिटी मेरी बनी रहे, जैसे आप सर वो बताते हैं जो भी ये आप माजूम आके अभी बताते हैं सर, तो ये सब मुझे मेरा ये नुस्खा मुझे बताया जाए सर, और मेरे बालों का पहले मेरी गुड़िया का सर से मेरा किया जाए सर, और एक बार आपसे मिलने की जिंदगी में उम्मीद है सर, एक मौका आपसे मिलने का मुझे दिया जाए सर। यही मेरे सवाल है सर जी। सवाल सबसे पहले तो बालों को लेकर है। हाँ, गुड़िया के तो बाल आ गए हैं जी जी, लेकिन ना उनके क्या है, जुएं पड़ गई थी, तो जहाँ जहाँ ज्यादा होंगी वहाँ पे बाल निकल गए हैं, बाल तो आ रहे हैं वैसे गोल मोरिंगा से। हाँ, धीरे धीरे वो जगह चिकनी हो जाती, दरअसल जुओं में और कीड़ा सा लग जाता है जो बिल्कुल चिकना कर देता है वो जगह को, और उस हिस्से पर अक्सर हम ये जैसे मैंने खल बताई है वो लगाते हैं, तो उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाती है, और वो फिर उसके नीचे से फिर बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। वो हिस्सा चिकना नहीं रहना चाहिए, उस पर खूब मालिश करें, खल लगाएं काफ़ी देर तक, तो वो वहाँ भी बाल आना मुमकिन है जी। और बेटी की जैसे कि उम्र 20-21 साल है, यूरिन ज़्यादा आता है। हाँ देखिए, वो गोंद चिलगोजा एक चुटकी और इसबगोल की भूसी एक चम्मच गरम दूध में मिला दीजिए, और जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें शक्कर वगैरह मिलाकर उसे खिला दीजिए, पिला दीजिए, तो ये बहुत तेज़ नुस्खा है।
एक चुटकी कॉर्न चिलगोजा डालना, इससे ज़्यादा नहीं, बस रोज़ एक बार दे दिया करें, काफ़ी होना चाहिए उसके इस मर्ज में फ़ायदेमंद हो सकता है, इम्यूनिटी अच्छी रहे के लिए उन्होंने जाना है। इम्यूनिटी का तो नुस्खा आपके पास लिखा हुआ ही होगा, और जो भी हम नुस्खे बनाते हैं वो बताते भी हैं और उससे मुतालिक दवाएं भी बनाते हैं, इसलिए मैं मशहूर हूँ कि मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ। नहीं तो माजून आर केयर आप ले सकते हैं, ये बहुत मज़बूत रखती है और इसमें वो ताकत है कि आपकी इम्यूनिटी को इतनी स्ट्रॉन्ग करे कि आपको बीमारियाँ आपसे आएंगी ज़रूर, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो उसको ख़त्म करती रहती है, बीमारी आने का भी पता नहीं चलता। अगर हालात हों तो आदमी को इमाजून आर केयर ज़रूर खानी चाहिए जी। और मुलाकात करना चाहते हैं हकीम साहब? हाँ, मुलाकात ज़रूर इंशाल्लाह होगी। मैं भूल गया कि आपका नंबर नोट करा दिया जाए, और फिर कभी आपको वक्त देकर मैं आपके सामने एक दिन ज़रूर पेश हूँगा। बिल्कुल। जगदीश जी हैं हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। राम राम जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, अकीम जी को भी नमस्कार जी। जय हिंद जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है जी। जी सर, आप इतने आदमी ठीक कर लिए जी, स्वागत तो आपका, हमारा भी स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। आपकी आपकी दुआई काम करा, हम अपनी आपकी दुआई किसी किसी को दे रहे, कुछ अपने आप हो, हमारा आराम हो जब हमने खाई जी। कौन सी दवा खाई जगदीश जी आपने? हमने एक तो खाया जी काला गोंद, एक मेरी भाभी ने खाया हुआ काला गोंद, एक मिट्टी जेगी भी ने खाया। अच्छा। एक पड़ोसी है पंडित जी, वो कपड़े पत्र देखना हुआ मेरा पड़ोसी है पंडित जी, उस तक आया। और फिर एक डॉक्टर तक दिया जाए तो उनका सिरका, और एक पंडित जी तक दिया जगदीश का, और एक और दिया एक पड़ोसी का जहाँ मेरे जा था उस तक दिया था जी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, तबीयत आपकी? हाँ जी ठीक है जी। आपके मरीज भी ठीक हैं? हाँ जी मरीज भी ठीक है। और क्या सेवा करूँ आपकी बताइए? सेवा जी सेवा तो आप बताओ, हमने आपकी क्या करनी है। ठीक है जगदीश जी, बहुत शुक्रिया हमें फीडबैक देने के लिए। और दरअसल ये जो काम है मेरा, ये आप तक अपने अनुभव को पहुंचाना है, ताकि आप जैसे लोग जो मुद्दतों से बीमार और बस इलाज करे जाते हैं, सालों हो गए, 10 साल 20 साल, कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो इतना पैसा खर्च हो जाता है कि कर्ज़दार हो जाता है आदमी। मेरा मकसद यही रहता है कि आप तक वो नुस्खा पहुंच जाए कि आपके आप अपने घर पे ही उसे बनाएं और ठीक हो जाए आपकी तरह। अब अक्सर हम यहीं पर काम ख़त्म कर देते हैं कि हम बीमार हैं, कोई दवा खाली और काफ़ी है, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा है कि दूसरों की भी सेवा का है। अगर आप वाकई ये समझते हैं कि लोगों को इस दवा की ज़रूरत है, जो भी जिससे भी आपने फ़ायदा उठाया, और घर घर है, कोई दुनिया में घर ऐसा नहीं जिसमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, और वो ढूंढ रहे हैं बड़े डॉक्टर बड़े इलाज बड़े हॉस्पिटल, ये घरेलू नुस्खे अपने आसपास सब तक पहुंचाइए जैसे आप पहुंचा रहे हैं। आपके मिलने वालों में कोई भी उस बीमारी उस रोग में ना रहे जो रोग आपने इतने दिन तकलीफ सहन की है, ये पहुंचाइए लोगों तक, ताकि हम दूसरों का भी भला कर सकें। हम सब दुनिया में आए हैं भला करने के लिए, दूसरों का भला कीजिए, भगवान आपका भला करेगा।
याद रखें कि अगर इंसान कोई भी, या मैं हूँ या आप हैं या कोई भी इंसान है, अगर दूसरों का भला करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो ये वादा है आपसे, भगवान का ये वादा है आपसे कि अगर आपने दूसरों के लिए दुआ की, दूसरों का भला किया, तो कभी अपने लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, भगवान आपको खुद ही दे देगा। जो भी मांगना हो दूसरों के लिए मांगिए, अपने लिए कभी मत मांगिए। आपको ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने लिए कुछ मांगने की, इतना सब कुछ भगवान आपको दे देगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, कार्यक्रम लाइव है, आप लोग लाइव हकीम साहब से बात कर सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हर एक रोग से संबंधित आपको तमाम नुस्खे मिलेंगे जो आपके घर में मौजूद होते हैं, बस आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये तमाम जानकारी हकीम साहब द्वारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वीडियोज ही वीडियोज हैं दर्शकों, नुस्खे ही नुस्खे हैं वहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, टाइप करना है हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली के नुस्खे आप लोगों तक खुद ही पहुंच जाएंगे, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का इलाज खुद ही घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। लेखराज जी हैं तेलंगाना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपको, हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद जनाब, तेलंगाना वालों स्वागत आपका। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत। आपसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, आपने, मैंने 2 साल से आपकी दवाया खाता हूँ और उसके साथ ये कर रहा हूँ। आपसे नमस्कार है साहब, आपसे बहुत विनती है कि आप बहुत महान आदमी हैं, आप क्रीज और मैं 2 बार आपका गोंथिया खा चुका हूँ, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मेरे को। और एक बात है, आपका जो बेर वाला भी मैंने इलाज लिया था, नमस्कार मैंने बेर वाला भी आपका इलाज लिया था, अभी भी थोड़ी सी सर्दी है मेरे को, अभी आप बताइए कि मैं क्या करूँ सब। और मैं गोल दिया फिर से मैंने आपके पास ऑर्डर दे दिया है, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा मेरे साथ, वो आते आते ऑर्डर अभी कल आया था, वो कुछ रेट के बारे में ये हो गया, फिर वो दूसरा फिर से ऑर्डर आने वाला है। प्लीज दया करके आप ये बताइए कि तब मुझे ये गोल सिया कब तक खाना है। आपको कितना परसेंट फायदा है जनाब? मेरे को साहब तकरीबन 50% फायदा है सब। ठीक है। थोड़ी सी नचे, मेरी जो पैर की पिंगलियों की नचे है बीच बीच में पलट जाती है साहब। ठीक है। अच्छा देखिए, आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और हर वो अच्छा इंसान होता है जो दूसरे की कदर करता है, दूसरे का सम्मान करता है, वो खुद सम्मानित होता है। तो आप बहुत सम्मानित इंसान हैं और बहुत मेहनती इंसान रहे होंगे, मुझे आपकी बातचीत से ही अंदाज़ा हो रहा है। तो देखिए, एक उम्र होती है हमारी मेहनत करने की। अब आप पर 2 पाबंदियां हैं, एक तो वज़न नहीं उठाना और एक ये वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना है, बस 2 चीज़ें आप ज़रूर करें। और कौन सी आप और भी ले सकते हैं, कुछ वजह है जो कम फ़ायदा हो रहा है, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन यही दवा रहें और लगातार लेते रहें और वज़न बिल्कुल ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी है जी। और क्या है सवाल? यही था हकीम साहब कि दर्द ही था इनको।
50% आराम मिल गया है। सर हमारी दिल से ये दुआ है कि आप बहुत जल्दी 100% का फ़ायदा उठा लें और आप बहुत स्वस्थ हो जाएं। दर्शकों देखिए, यकीन आप लोगों को तभी होगा जब आप लोग नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे, संयम के साथ, इंतज़ार के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है। देखिए आपका जो रोग होता है वो कल परसों का नहीं होता है, सालों साल पुराना होता है। कई लोग तो अपनी आधी ज़िंदगी रोगग्रस्त ही व्यतीत कर देते हैं, कई लोग तो उम्र के उस पड़ाव पर जाते हैं कि थका हुआ सा महसूस करने लगते हैं कि अब हम ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर मन में ये विश्वास होता है कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं, तो ज़रूर आप सभी से कहना चाहूँगी कि हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आपको सिर्फ करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करनी है जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। आपके घर के जो किचन है, जो दवाखाना है, वहाँ पे मौजूद हैं वो तमाम नुस्खे जो आप जानते हैं हकीम साहब से। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार हम दिखा रहे हैं।